बड़े हाँ, अपना बताइए पहले आप कैसे हैं। बहुत बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। बिग बॉस के घर से अभी बाहर निकला हूँ और मैंने घर के अंदर जब था तो लास्ट के दो महीने मैंने ये माना हुआ था और हर रोज़ मैं महादेव को याद कर रहा था। और मैंने याद, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मुझे हर रोज़ मतलब विश्वनाथ जी जो शिवलिंग है वो हर रोज़ दिखता था मंदिर वहाँ पे अंदर जब मैं पूजा करता था। तो मैंने ये माना था कि जैसे ही मैं बिग बॉस से बाहर आऊँगा सबसे पहले मैं महादेव के दर्शन करूँगा। दर्शन करने के बाद कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बाप रे, इससे बड़ी कुछ हो ही नहीं सकती। जब विश्व का प्यार मिला तो सबसे पहले विश्वनाथ के पास आए, है ना, धन्यवाद देने के लिए। इससे बड़ा क्या होगा। विश्व भर में विश्वनाथ मंदिर का जो है कि बहुत चर्चा बनता है। हाँ जी, आपको कैसा लग रहा है, क्या अलग लग रहा है? मुझे तो बहुत अद्भुत लग रहा है यार। मैं आपको सच बताऊं, मैं इतना धन्यवाद देता हूं। और मेरे ख्याल से जो ईश्वर और मतलब विश्वनाथ भगवान की इतनी कृपा थी मेरे ऊपर कि इतना मेरे साथ में ऊंच नीच हुई और सारा इतना सब टर्मोइल भी हुआ है, लेकिन इतने खुशी और इतना प्यार, इतना अफेक्शन मिला है पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से, वो मेरे ख्याल से महादेव की कृपा थी इसलिए मिला। कमजोर दिख रहा है, चिकन का असर कम हुआ क्या? हाँ, अभी आ गया हूँ ना तो मम्मी के हाथ का खाना खाऊंगा तो मैं वापस फिट हो जाऊंगा। काशी आने के बाद कुछ चिकन छोड़ने का नहीं ना प्लान है? नहीं, मैंने ऐसा तो प्लान नहीं किया, लेकिन आज मैंने नहीं खाया। आज मैंने थोड़ा सोचा है कि आज यहाँ पे भूमि में आए हैं तो शुद्ध रहेंगे बिल्कुल। मैं तो देख रहा हूँ कि मतलब इतना सब प्यार मिल रहा है, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि इतना प्यार मिल रहा है सबसे। तो ये तो मतलब इनके वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और फिनाले तक आया और इतना प्यार मिला है, वो सब मेरे ख्याल से ये सब जो है इनके वजह से है। शोशा, बॉलीवुड में भी अपने जो है बहुत सारी मूवी बनाई हुई है, उसमें क्या कहना चाहेंगे यार? मोहन जैसी मूवी आपने बनाई? हाँ, मैं एक्चुअली अभी तो मैं बाहर आया ही हूँ, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होना है, क्या करूँगा। अभी मेरा सिर्फ टू डू लिस्ट में एक था, वो महादेव के दर्शन थे और वो मेरा अब टू डू लिस्ट खत्म हुआ। तो आज मैं, मेरे लिए टेक्निकली आज मैं बिग बॉस के घर को खत्म कर दिया। बाहर निकलने के बाद टीना से एक को बार बातचीत हुई? नहीं नहीं, मेरी बिल्कुल बात नहीं हुई। मेरे को वो ईश्वर से बात करने की ज्यादा इच्छा थी, मैं उनसे बात करने के लिए आ गया। घर में तो आप उन्हीं से बात करने के लिए परेशान थे? नहीं नहीं, मैं सबसे बात करता था यार। बस मैं उनको बहुत सारी, हाँ हाँ, अरे वो तो इतने बड़े बड़े बादशाह भाई आए, उन्होंने बोला वो उनके फैन है। लेकिन टास्क तो एक भी नहीं पार्टिसिपेट किए थे? हाँ, वो नहीं किया, ये थोड़ा सा अटपटा नहीं लगा? मुझे लगता है कि अब जो जीतता है ना तो वो कहीं ना कहीं वो जीत का हकदार होता है और इसलिए जीतता है, और ऊपर वाला अच्छा आशीर्वाद देता है उनको तो वो जीत जाता है, तो अच्छा है। किससे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने 10 साल में जितना प्यार कमाया है, जितना आशीर्वाद मुझे इस देश ने दिया है और पूरी दुनिया ने दिया है, वो एक अकेले बिग बॉस ने उतना मुझे प्यार दिया है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सबको। थैंक यू।